Hello dear students, today we are going to start with chapter number 4 of your SST book, Cambridge Connection Social Studies 5. Evolution of transport and communication. In this, we will learn about the evolution in means of transport as well as evolution in means of communication. Means जो तरक्की ट्रांसपोर्टेशन में हुई है, जो चेंजेस ट्रांसपोर्टेशन में हुए हैं, हम उसके बारे में रीड करेंगे, एज वेल एज वी विल रीड अबाउट द एवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन. ओके, नाउ बिगनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. इट इज सर्टेनली बिकम एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. In the early period of human civilization, there were no vehicles. Human used to carry large objects by themselves or drag them. Sometimes animals were used to carry heavy things. This was the easiest method of transportation, which was slow and exhausting. अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई ट्रांसपोर्टेशन की. सबसे पहले तो व्हील जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ये सबसे ज़रूरी इन्वेंशन थी जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में हुई. फिर उसके बाद ये एक असेंशियल पार्ट बन गया हमारा, ये ज़रूरी हिस्सा बन गया हमारे लाइफ का. अर्ली टाइम पे क्या होता था, कोई व्हीकल नहीं था, कोई कार, मोटरसाइकिल, साइकिल कुछ भी नहीं था. तो ह्यूमन को अपने आप ही चीज़ें इधर से उधर लेके जानी पड़ती थी, जहाँ जो हैवी थिंग्स थी, जो हैवी चीज़ें थी, वो एनिमल की हेल्प से वो कैरी करते थे. तो एनिमल्स वर द ईजीएस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट इट वॉज स्लो एंड एग्जॉस्टिंग. ये थकावट वाला भी था और स्लो भी था. नाउ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज रेवोल्यूशनरी इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. द व्हील वॉज इन्वेंटेड इन लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस विच हैपन्ड ओवर फ्यू स्टेजेस. इनिशियली वुडन लॉग्स वर यूज टू ड्रैग हैवी ऑब्जेक्ट्स. दीज लॉग्स वर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर एंड द ऑब्जेक्ट वॉज ड्रैग्ड ऑन टॉप ऑफ दैम. Over a period of time, wooden logs were used under sledges to facilitate movement. And to further improve its efficiency, the wood logs were carved out of bigger wooden chunks. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी यही रीड किया है कि जो इन्वेंशन हुई है वो सबसे जो थी एक यू कैन से इट वॉज द लाइफ चेंजिंग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. पर जो ये व्हील है ये एकदम से नहीं बना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है. सबसे पहले क्या होता था, वुडन लॉग जो थे, जो ये जो लकड़ियाँ थी, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स ले जाने में ऐसे, ये जो वुडन लॉग्स है ना, वुडन लॉग्स के ऊपर ये चीज़ें रख देते थे, फिर आगे को ड्रॉ करते थे, फिर जो पीछे वाली लकड़ियाँ थी फिर आगे रख देते थे, फिर उसके ऊपर ऐसे ड्रैग करके हुए हैवी ऑब्जेक्ट्स को दे टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुडन लॉग्स वर यूज्ड अंडर स्लेजेस टू फैसिलिटेट मूवमेंट एंड टू फर्दर इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी. वुडन लॉग्स वर कार्व्ड आउट ऑफ बिग वुडन चंक्स. तो जो वुडन लॉग्स थे वो बड़े बड़े जो लकड़ियाँ थी उसमें से जो थे वो अब काव करके खुरेद के उसमें से निकालने लगे. तो उसके बाद क्या हुआ, अ स्पोर्टिव एक्सल वॉज ऑल्सो डिवेल्प्ड. तो उसके बाद जो एक्सल था, जो ये जो होता है एक्सल, जो आपके व्हीकल के दोनों टायर्स के बीच में जो रॉड होती है उसको एक्सल बोलते हैं. तो एक्सल जो था उसको डिवेलप किया उन्होंने. होल्स वर मेड एट द सेंटर ऑफ ईच व्हील. तो हर एक व्हील के सेंटर में उन्होंने होल किया, तो उसमें एक्सल फिट कर दिया दोनों साइड्स पे. द व्हील मूव्ड इन सर्कुलर मोशन ऑन द एक्सल. तो जो व्हील था वो सर्कुलर मोशन में उस एक्सल के अराउंड जो था, सपोज दिस इज अ एक्सल, तो जो व्हील था इसके अराउंड मूव करता था. द ओल्डेस्ट व्हील वॉज फाउंड
in what is believed to be ancient Mesopotamia, it was used as a potter's wheel. तो सबसे पहले जो जो सबसे पुराना माना जाता व्हील है वो है मेसोपोटामिया व्हील. ठीक है. नाउ रीचिंग डिस्टेंट प्लेसेस. अब दूर जब जाना होता था तो द अर्लीस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट मेड यूज ऑफ हॉर्सेस ऑक्सन डंकीज एंड कैमल्स. जो पहले के लोग थे वो लैंड ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से यूज करते थे? हॉर्सेस ऑक्सन डंकीज एंड कैमल्स. बाय फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी BCE व्हील्ड कार्ट्स वर इंट्रोड्यूस. दीज कार्ट्स वर आइदर एनिमल ड्रॉन और वर पुल्ड बाय ह्यूमंस. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ व्हील्ड कार्ट केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली इन द मिडल ईस्ट. हॉर्स ड्रॉन कैरेज were introduced much later, followed by closed coaches. He's saying that 4th or 5th century में क्या हुआ? Wheeled cart were introduced. जो रेड़ा गड्ढा था उसकी introduction हुई. These carts were either animal drawn or were pulled by humans. या तो उसको animal चलाते थे, like we have seen in the villages, some are pulled by oxen, some are pulled by horses, but at that time some were pulled by humans also. The first evidence of wheeled cart came from Central Asia and Tigris Euphrates. जो first evidence था wheeled cart का वो इन दोनों जगह से आया था. जो horse drawn carriages जिसके बारे में अभी बात कर रही थी, जो horse drawn carriages थे वो बहुत ज़्यादा बाद introduce हुए. उसके बाद क्लोज्ड कोचेस जो आप इंग्लिश मूवीज में देखते हो ना, क्लोज्ड कोचेस होते हैं. ये तो हुए सिंपल, यहाँ पर लगे हुए हैं, ऑक्स लगा हुआ है, पीछे कार्ट्स लगे हुए हैं. ठीक है. तो आपने देखा होगा फेरी टेल्स में, सिंड्रेला में क्लोज्ड कोचेस होते हैं ना, पीछे डब्बा सा बना होता है, उसमें बैठे होते हैं, उसका दरवाज़ा खोलते हैं फिर बाहर आते हैं, उसको क्लोज्ड कोचेस बोलते हैं. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इंक्रीज द नीड ऑफ रोड्स. जैसे जैसे व्हील्ड व्हीकल्स बढ़ते गए वैसे वैसे रोड्स की भी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनको रोड्स भी बनाने पड़ेंगे. पेव्ड रोड्स वर इंट्रोड्यूस इन मेसोपोटामिया एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. पेव्ड क्या होते हैं? जो पक्की रोड्स थी, इट मे बी सीमेंटेड और ब्रेकड और कंक्रीटेड रोड्स. जो पेव्ड रोड थे वो मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी. रोमन एम्पायर कंस्ट्रक्टेड स्टोन पेव्ड रोड्स. जो रोमन थे उन्होंने स्टोन कंस्ट्रक्टेड जो थी रोड्स वो बनाए थे. विच वर यूज्ड बाय आर्मीज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट पीरियड. नाउ टार पेव्ड रोड्स जो अभी हैं, जो टार पेव्ड रोड थे were known to exist in medieval caliphate times. During ancient times, water transport was also an efficient way to travel long distance. जो water, अब ये तो हो गया road transport के अलावा उनके पास ये water transportation भी थी जो कि long distances cover करने के लिए थी. Earlier watercraft were the dug out canoes cut out from the tree trunks. पहले तो क्या था, ट्री ट्रंक से जो बनती थी किश्ती बनती थी. These canoes were known to be in use as far back as 7600 BCE के पुराने समय में ये जो थे canoes तब यूज़ होते थे. People started using wind power to travel long distance by sea. The introduction of sailed vessel occurred around 3100 BCE. तो क्या करते थे पीपल, जिधर की हवा होती थी उधर को ट्रैवल करना, मतलब हवा की हेल्प से वो ट्रैवल करते थे. तो जो सेल्ड वेसल थे, जो होती है ना बोट्स होती हैं जिसके ऊपर ट्राइंगल जैसा बना होता है,
ट्राइंगल जैसा बना होता है उसकी सेलिंग के लिए, तो वो जो सेलिंग थी, जो सेलिंग बोट थी, तो वो अराउंड 3100 BCE में इंट्रोड्यूस हुई. नाउ ट्रेड एंड वॉयजेस. ट्रेड एंड वॉयजेस क्या होते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड और कोई रिसर्च करने के लिए, कोई नई चीज़ को देखने के लिए. Since the ancient times, trade has been primary reason behind many voyages. Voyages क्या है? एक नई जगह ढूंढने के लिए जो हम एक जगह से दूसरी जगह travel करते हैं by water. तो trade, जो trade का था, लेन देन का जो मसला था, वो एक main reason था voyages का. The earliest maritime trade were believed to be from eastern Mediterranean. Since 300 BCE, Egypt and Minoan Crete were involved in trade. Soon, Egyptians began trading with Mediterranean islands and along the North African coast. सबसे पहले क्या हुआ कि जो Eastern Mediterranean थे, वो believed, it was believed that they were the first to get involved in trade. तो ये जो लोग थे, ये सबसे पहले involved हुए trading में. उसके बाद इजिप्ट एंड मिनोन जो थे वो भी होते गए. जो इजिप्शियंस थे उन्होंने मेडिटेरियंस के साथ और नॉर्थ अफ्रीका कोस्ट के साथ सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की. कारवांस ऑफ कैमल वर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वेस्ट कोस्ट ऑफ अरेबिया. अरेबिया में क्या है, डेजर्ट एरिया है, अरब में डेजर्ट एरिया जा रहा है ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो कारवां है कैमल्स का जो झुंड है, वो एक मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था. इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स विद सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया. न्यू ट्रेड रूट्स वर एस्टैब्लिश इन 300 BCE कनेक्टिंग इन डिफरेंट रीजन्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो क्या था, कॉन्टैक्ट विद सुमेरियन इन मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया. फिर उसके बाद मार्को पोलो रीच चाइना फ्रॉम द शोर्स ऑफ वेनिस इन 13th सेंचुरी. द पीरियड बिटवीन 15th एंड 18th सेंचुरी इज कॉल्ड एज ऑफ डिस्कवरी. तो इस एरिया, इस पीरियड में जो डिस्कवरीज हुई थी, उस पीरियड को ही पूरा नेम दिया गया एज ऑफ डिस्कवरी. पीरियड सॉ मैनी एक्सपीडिशंस अंडरटेकन बाय सेलर एंड ट्रेडर्स ऑफ पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज. These expeditions were mainly aimed to find new trade routes. तो नए ट्रेड रूट्स के लिए ये expeditions दी गई. नई markets कहाँ पर हैं for countries like Portugal, Spain, Italy and England. The Portuguese discovered many new trade routes. जो पोर्तुगीज थे वो भी बड़े अच्छे थे नए routes ढूंढने में. They discovered new sea route to India when Vasco da Gama, the famous Portuguese explorer, landed in Calicut, India on 20th May. The 20th May 1498 में जो था पोर्तुगीज एक एक्सप्लोरर था वास्को डी गामा, उसने एक्सप्लोर किया कि इंडिया भी एक जगह है जहाँ पर अच्छा ट्रेड हो सकता है. फर्दिनंद मैगलिन द फेमस पोर्तुगीज एक्सप्लोरर ऑर्गेनाइज द स्पेनिश एक्सपीडिशन टू ईस्ट इंडीज फ्रॉम 1519 टू 1522 रिजल्टिंग इन द फर्स्ट करिकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ. जो फर्दिनंद मैगलिन था उसने एक्सपीडिशन की, उसने नए रूट्स जब ढूंढने की कोशिश की, तो वो उसको 1519 से लेके 1522 तक का ये पीरियड था. तो उसने तब डिस्कवरी की जो अर्थ है एक जगह पे जाके. पहले क्या था, वो बिलीव करते थे कि एक जगह पे जाके, समुंदर पे जाके जो अर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी, लाइक इट्स अ फ्लैट सरफेस. बट बाद में उनको पता चला कि वो एक सर्कमफ्रेंस है, एक गोल चीज़ है, जो जहाँ से शुरू होके अगर हम वापस घूम के उसी जगह पे आ जाए तो हम गिरते नहीं हैं. द अमेरिकन कॉन्टिनेंट वॉज डिस्कवर्ड इन ट्रांस एटलांटिक वॉयजेस कैरिड आउट बाई क्रिस्टोफर कोलम्बस इन बिटवीन 1492 एंड 1502. क्रिस्टोफर कोलम्बस वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर हु कम्प्लीटेड सेवरल वॉयजेस अक्रॉस द एटलांटिक ओशन.
those voyages were successful in establishing European contacts and settlement in American continent. तो वो जो उसने voyages किए हैं, बहुत सारे voyages किए हैं, तो वो voyages क्या थे, successful थे European contact बनाने में और एक settlement करने में American continent में. The age of exploration continued with English voyagers William Dampier, Abel Tasman. They were able to map the coast of modern day Australia along with help of Captain James Cook. तो ये जो तीन थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का देखा था कि ऑस्ट्रेलिया भी एक जगह है, उसका मैप बनाया था, उसका मैपिंग की थी उसको. Now modern means of transport. Even though people still use animal as means of transport, at some places most journeys now are made up with the help of vehicles or modern means of transport. Now first of all जो transportation के modern means थे उसके बारे में हम read करेंगे. Road transport, rail transport, water transport and airways. Road transport. Roads are used for walking or to travel on bicycle, scooter, motorcycle, car, buses and trucks. The first bicycle was invented about 200 years ago. जो first cycle था वो 200 years पहले बना था. They had no pedals. उनके pedals नहीं होते थे. The wheels were made up of wood or iron and were known as bone shakers. तो जो व्हील्स थे या वुड के बने थे या आयरन के बने थे तो उनको बोन शेकर्स बोलते थे. मॉडर्न बाइसाइकल हैव लाइट फ्रेम, रबर टायर्स एंड चेन टू ड्राइव द व्हील्स. तो जो नए साइकिल्स हैं आपको पता ही है कि वो लाइट फ्रेम के बने होते हैं, रबर टायर्स होते हैं, चेन टू ड्राइव द व्हील्स, चेन होती हैं पैडल्स के साथ आपका जो चलते हैं व्हील्स चलते हैं. स्पेशल साइकिल्स आर फिटेड विद सिस्टम टू रन ऑन डिफरेंट स्पीड्स. The first cars were simple vehicles and could be called literally horseless carriages. तो जो first car थी उसको हम simply horseless carriages भी बोल सकते थे. इतनी simple थी वो, simple उस पर tires पे wheels पे चलती थी. Now rail transport. Rail transport is a mean of carrying passenger and goods on wheeled vehicle running on rails. तो रेल ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, पैसेंजर्स को कैरी करना और गुड्स को कैरी करना, चीज़ों को, भारी भरकम चीज़ों को कैरी करना, जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स को कैरी करना व्हील्ड व्हीकल पे जो कि रेल्स पे चलते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रैक्स, जिनको ट्रैक्स भी बोलते हैं. ट्रैक मेक ट्रैवल लेस बम्पी. जो ट्रैक्स हैं उनमें बम्प्स नहीं होते, उनमें हलारे नहीं होते, तो वो लेस बम्पी होता है. द अर्ली ट्रेन्स वर ड्रॉन बाय हॉर्सेस. जो अर्ली, जो पहले के रेल्स थे वो हॉर्स चलाते थे. देन केम द स्टीम इंजन्स एंड लेटर द डीजल लोकोमोटिव्स एंड नाउ ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद क्या हुआ कि स्टीम इंजन आए, उसके बाद डीजल लोकोमोटिव्स आए जो डीजल पे चलते थे. नाउ ट्रेन्स किस पे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे. ट्रेन्स आर इकोनॉमिकली एंड बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. जो ट्रेन्स होती हैं सबसे पहले तो वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होती हैं और बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. जो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि थकावट नहीं होती और ईजिली हम ट्रैवल कर सकते हैं. रेल ट्रांसपोर्ट वॉज मेड फास्टर एंड बेटर विद द डिवेलपमेंट ऑफ रेल बेस्ड मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम सच एज ट्यूब, सबवे एंड मेट्रो. जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसमें फर्दर फिर एवोल्यूशन हुई, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हुई. उसके जो थे, जो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हुई वो किस सिस्टम से हुई, ट्यूब. ट्यूब मीन्स जो टनल जैसे बने होते हैं, सबवे बने होते हैं मेट्रो की हेल्प से. दीज ट्रेन्स आर अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मैक्सिमम पैसेंजर्स रैपिडली विदाउट ओवरलोडिंग द सर्फिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन बिग सिटीज़. तो जो ऊपर वाले, जो वो मेनली अंडरग्राउंड चलती हैं या फिर ऊपर फ्लाईओवर्स पे चलती हैं ताकि जो रोड्स हैं उनमें ब्लॉकेज कोई किसी तरह की ना हो,
Now metro trains run in almost all metro cities of India. जितनी भी मेट्रो सिटी हैं इंडिया की उसमें सभी में मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं. दे ट्रैवल बोथ अंडरग्राउंड एंड ऑन एलिवेटेड ट्रैक्स. जैसे मैं आपको पहले बताया जहाँ तो वो अंडरग्राउंड चलती हैं या फिर ऊपर ब्रिजेस पे चलती है. एलिवेटेड ट्रैक्स उनके लिए स्पेशल बने होते हैं उसमें बोथ चलती है. प्रेजेंटली डेली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ द मोस्ट इंट्रीकेट मेट्रो रेलवे नेटवर्क इन द इंडिया. ये सबसे ज़्यादा इंट्रीकेट जो सबसे ज़्यादा फेमस जो है रेलवे ट्रैक है इंडिया का. नाउ Come to water transport. Human beings probably made their first journeys on water by floating on rivers and bays on top of tree trunks. The first canoes were made by hollowing out tree trunks. Tall grasses and reeds were bundled together to make rafts. Today, boats and motorboats are used to travel short distances in river and oceans. Ships carry passengers and goods from one country to another. On oceans, hovercrafts and other means of water transport can travel both on land and water. It can travel faster than ships. अब क्या हुआ? जो humans ने अपनी first journey की थी, it was probably by floating on rivers and bays on top of tree trunks. जो first canoe था, वो hollow tree trunk का बना हुआ था. अंदर से जो ट्री ट्रंक थी उसको अंदर से होलो कर दिया गया था ताकि वो इजीली फ्लोट कर सके. टॉल ग्रासेस और रीड्स वर बंडल टुगेदर टू मेक राफ्ट. अब राफ्ट बनाने के लिए क्या किया था? टॉल ग्रासेस और रीड्स को इकट्ठे जोड़ के उसका राफ्ट बनाई गई. आजकल की जो बोट्स एंड मोटर बोट्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए रिवर्स और ओशंस के लिए. शिप्स जो हैं वो पैसेंजर्स को भी कैरी करती हैं और गुड्स को भी कैरी करती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. जो होवरक्राफ्ट्स हैं वो ऐसा मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है जो कि लैंड पे भी ट्रेवल कर सकता है और वाटर पे भी, और ये शिप से जल्दी चलता है. नाउ एयरवेज. फ्रेंच ब्रदर्स यूसेफ एंड एटन मॉन्ट गोल्फियर वर द फर्स्ट टू इन्वेंट हॉट एयर बलून. ये जो दोनों ब्रदर्स थे फ्रेंच ब्रदर्स थे, दे वर फर्स्ट टू इन्वेंट द हॉट एयर बलून. इन 1783 दे फ्लू दिस बलून फॉर नियरली 10 मिनट्स. तो 1783 में उन्होंने सिर्फ 10 मिनट तक के लिए ये सबसे पहले बलून उड़ाया था. दीज डे एरोप्लेन्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ एयर ट्रेवल. आजकल के ज़माने में जो एयरप्लेन्स हैं या एरोप्लेन्स हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैं. ठीक है, हेलीकॉप्टर्स कैन ऑल्सो फ्लाई टू प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट. हेलीकॉप्टर्स उन प्लेसेस पे जाने के लिए कन्वीनियंट है जहाँ पे एरोप्लेन्स नहीं पहुँच सकते. रॉकेट्स आर यूज फॉर ट्रेवलिंग टू आउटर स्पेस. जो रॉकेट्स हैं वो आउटर स्पेस में ट्रेवल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. नाउ दिस दैट्स ऑल फॉर टुडेज असाइनमेंट. इन द नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल कवर बिगनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. कहाँ से स्टार्ट हुआ कम्युनिकेशन, पिजम्स कैसे हेल्पफुल थे, प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई, फिर टेलीफोन और टेलीग्राफ की कैसे इन्वेंशन हुई, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स आए, फिर सैटेलाइट्स आई. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल कवर द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.